वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर। इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, उसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। समझ आया? ये हमारे पास है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर की हमारे पास बेस 10 होती है और इसमें इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, उसको हमने कन्वर्ट करना है। जब हमारे पास ये होता है होल नंबर, डेसिमल से ही अदर सिस्टम की बात कर रही हूँ, डेसिमल से बाइनरी की बात कर लें, डेसिमल से ऑक्टल की, डेसिमल से हेक्साडेसिमल की, सबकी क्या होती है हमारे पास कि डेसिमल से ही अदर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पास ये होल नंबर्स हैं, इंटीग्रल पार्ट ही इनके फ्रैक्शनल नहीं है, होल नंबर्स हैं, हमारे पास पॉइंट्स में नहीं है। तो हमने सिंपल कन्वर्ट किस तरह करना है, ये मेथड ही है हमारे पास। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर देना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से कर देना है, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड कर देना। मैथड सेम है सब में। ओके, ये बात हो गई जब हमारे पास होल नंबर्स हैं, इंटीग्रल नंबर कह लें इनको, होल नंबर्स हैं, पॉइंट्स में नहीं है, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। कर किस तरह, डेसिमल से अदर सिस्टम्स में की बात कर रही हूँ मैं, इतना समझ आ गया। जब आप डेसिमल से अदर सिस्टम में जा रहे हैं लेकिन आपके पास ये कौन सा नंबर आ गया है, ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया, मतलब पॉइंट्स में आ गया है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट में तो आ गया और पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ जीरो ही है, मतलब 0.56 ही अकेला यहाँ पर कह लें, जीरो लगा लें या ना लगाएं, 0.56 ही है और मतलब और 0.3 है और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी 3 ही है। है डेसिमल नंबर्स ही, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स हैं, स्टार्ट में जीरो है, बाद में पॉइंट है और जो भी नंबर है। तो आपने क्या करना है कि डेसिमल से ही बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से ही ऑक्टल में, डेसिमल से ही हेक्साडेसिमल में। डिफरेंस क्या है कि जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो बेस है बाइनरी की 2 होती है उससे मल्टीप्लाई करवा देना और बाकी सेम यही प्रोसीजर है। और जब हमारे पास होती है, हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बेस 8 होती है, 8 से मल्टीप्लाई करवा देना, बाकी वही मेथड है। और हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करवा देना क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, देन वही मेथड है। समझ आए? फिर हमारे पास आता है कि जब हमारे पास ऐसा नंबर हो डेसिमल ही लेकिन उसमें इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हो तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रल पार्ट को करते हैं, दिखाया था ना, तो वो सिंपल ये कर दें, तो इंटीग्रल पार्ट इसका जो है उसको इस तरह कर दें और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको इस तरह कर दें, देन इनके जो आंसर्स को कंबाइन कर दें। ठीक, इसी तरह आपने जो है इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल नंबर ही है उसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल का ही इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है उसको आपने जो है डेसिमल नंबर ही उसको ऑक्टल में करना है, तो भी वही मेथड है कि इसको स्टार्ट में पहले उसको कर दें, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको सिंपल इस तरह कर दें जैसे हम होल नंबर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, डेसिमल नंबर को होता होल है उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब पॉइंट में नहीं होता, उसको जिस तरह करते हैं वो कर देना, बाद में पॉइंट जो है बाद वाला नंबर है मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उस जैसे मैंने दिखाया उस तरह कर देना, मतलब दोनों काम करने हैं इसमें। ओके, अब इसमें भी सेम हम यही करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, इसमें किस किस की बात हो रही है, हेक्साडेसिमल की और डेसिमल नंबर की। तो ये आ गया डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस 10 होती है, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या होते हैं, 0 to बेस क्या होती है, उसमें बेस थी डेसिमल में 10 और इसमें बेस होती है 16, और डेसिमल में बेस तो 10 होती है, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होती है, 0 to 15 डिजिट्स होते हैं, 0 to 15 में से 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, देन 11 to ऑनवर्ड हमारे पास जो है 11 to 15 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, 10 की जगह ए यूज़ करते हैं, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, देन 15 की जगह एफ, इस तरह। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करना। तो जो हमारे पास ये इंटीग्रल पार्ट है उसको तो हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है इस तरह। ओके, जैसे हम सिंपल करते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में, यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेस नंबर को लिख लेते हैं क्या है, बेशक यहाँ पर हेडिंग भी दे दें कि ये कौन सा हम पार्ट करने लग रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट को यहाँ पर हेडिंग दे दें बी लिख के फ्रैक्शनल पार्ट को, या सिंपल कर लें तो यहाँ पर 225 लिख लें। और इस नंबर को डिवाइड हमने किससे करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, तो हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है उससे डिवाइड कर देना। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ तो ये कर लें कटिंग वाला काम या तो डिवाइड वाला कर लें, दो काम कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी एक काम कर लें जो आपको ईजी लगे, मैं दोनों बता देती हूँ, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। कि 16 के एक तो कटिंग वाला ना, उसके बाद मैं एक और बता दूँगी, 16 के टेबल में 22 नहीं आता, 22 से छोटा 16 ही आता है, 16 के टेबल में इसको कट करके 16 बना लें, 16 के टेबल में 16 आता है, 1 ये 22 था, हमने तो 16 को सॉल्व किया, जो 17 18 19 20 21 22 6 जो था इसका वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया 65। तो 16 के टेबल में 65 नहीं आता, 65 से छोटा 64 आता है, 16 के टेबल में 64 आता है 4 और ये तो 65 था, हम लोगों ने तो 64 को सॉल्व किया, तो जो इसका 1 है वो यहाँ पर रिमाइंडर में आ गया। इस तरह समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आई तो
ये देखें, मैं ये बता रही थी आपको कि इस नंबर को अंदर रखें, 16 को बाहर रखें, डिवाइड कर दें सिंपल, 16 आ गया, माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6, देन ये वाला 5 उतार लिया, 16 हमारे पास क्या होता है 4, यस 4 क्या आ गया 64 आ गया, माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन में वो आपने क्या लिख लेना है उसको यहाँ पर लिख लेना, और जो ये है रिमाइंडर में उसको आपने यहाँ पर लिख लेना। अब ये 14 है, 16 से छोटा है, तो अब आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, इस तरह ही लिख लेंगे। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमने इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर लिया, फ्रैक्शनल को किस तरह करना है वो इस तरह करना है सारा। ओके, तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को करने लगे हैं सॉल्व, देने तो देते हैं। और फिर हमने यहाँ पर हेडिंग किसकी देनी है, रिज़ल्ट की, यहाँ पर रिज़ल्ट की दे देते हैं कि हम लोगों ने जब वो सारा काम करवाना है इस तरह कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट और फिर देन इंटीग्रल। यहाँ पर लिख लें फ्रैक्शनल पार्ट और यहाँ पर लिख लें इंटीग्रल पार्ट, पार्ट ओके। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 0.225 है तो उसको हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 0.225 को मल्टीप्लाई हम लोगों ने जिसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में उसकी बेस है, तो 16 से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर जीरो लिखना है तो जीरो लिख लें, अदरवाइज रहने दें, मर्जी आपकी। तो 0.225 को मल्टीप्लाई करवाएं 16 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 3.60। तो यहाँ पर लिख लें रिज़ल्ट में 3.60 हमारे पास आ गया। तो इस नंबर का जो रिज़ल्ट हमारे पास आया, इस नंबर में हमारे पास इंटीग्रल पार्ट किया जो पॉइंट से पहले डेट इज़ 3, और फ्रैक्शनल हमारे पास पॉइंट जो है पार्ट है वो 0.60 है। अब आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है, करवाना 16 से ही है, यहाँ पर जीरो लगाना तो लगा लें। तो 0.60 या 0.60 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 9.60। तो यहाँ पर 9.60 लिख लें, और जो है इसका इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 9 है और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.60, यहाँ पर लिख लें। अगेन क्या आ गया, हमारे पास 0.60 ही आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर जीरो लगा लें, अगेन 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यही नंबर आएगा 9.60, अगेन इसका 9 यहाँ पर आ गया और 0.60 इधर आ गया, फिर 0.60 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 16 से, अगेन वही आता रहेगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ तक स्टॉप कर देना है। जो हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व किया उसका आंसर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोगों ने जो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो 225 को सॉल्व किया ही हमारे पास इंटीग्रल पार्ट था, इसकी बेस 10 ही है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर हम लेफ्ट टू राइट देन अपवर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आगे है ही नहीं, यहाँ पर देखें तो लेफ्ट टू राइट देन अपवर्ड मतलब 3, 4 और फिर 1, इस तरह लिखते हैं। तो इसमें तो हमारे पास ये है, अब ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होता है, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, देन 10 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास 15 तक वो ABC यूज़ होती है। 10 किसके इक्वल, हम 10 ही लिखते हैं, 10 की जगह A लिखते हैं, देन 11 की जगह B लिखते हैं, और 12 की जगह C लिखते हैं, 13 की जगह D लिखते हैं, 14 की जगह E और देन 15 की जगह F लिखते हैं। यहाँ पर देख लें तो 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स होते हैं, और देन हमारे पास क्या होता है, 10 की जगह जो है A, और देन 11, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15, तो इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास B, C, D, E और देन F। तो हमें क्या है, हमारे पास 14 है, तो 14 के क्या इस किसके इक्वल है, E के, तो हम लोगों ने यहाँ पर 14 नहीं लिखना आंसर में, हम लोगों ने क्या लिख देना है, E लिख देना है, E आ गया 14 की जगह, और देन 1 आ गया, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, और बेस भी लगा लें, हेक्साडेसिमल की 16 होती है। और जब ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हुआ है तो हम लोगों ने क्या किया, 0.225 है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ही बेशक लिख लें, यहाँ पर लिख लें, जहाँ मर्जी लिख लें। तो 0.225 को जब कन्वर्ट किया, इसकी बेस भी लगा लें, डेसिमल नंबर है तो उसको हमने कन्वर्ट किया, तो आंसर आपने ऊपर से नीचे लाना है, तो यहाँ पर आएगा 3 और 9। 9 को एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि आगे रिपीट होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉइंट बी लगा लें और इसकी बेस भी लगा लें 16। अब इसको कंबाइन कर लेंगे फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट के आंसर्स को किस तरह, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 225, यहाँ पर 0.225, और इसकी जो है बेस भी लगा लें डेट इज़ 10, और इसको हम लोगों ने जो है आंसर किस तरह कंबाइन कर देना है, इसका ई वन पॉइंट ये 39, और बेस भी लगा लें 16, समझ आए, और यहाँ पर बेशक लिख भी लें कंबाइनिंग द डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट।
तो इस तरह हम लोग जो है सॉल्व करते हैं जब हमारे पास डेसिमल नंबर ही होता है लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट भी होता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आप इजीली कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, फिर बेशक फिर वो जो है डेसिमल नंबर ही हो, इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट दोनों उसके हों, वो बेशक बाइनरी में कन्वर्जन हो, बेशक वो ऑक्टल में हो, बेशक वो हेक्साडेसिमल में हो, क्योंकि बाइनरी में सिंपल जो सारा काम अब किया है यहाँ पर टू से आपने कर देना है और यहाँ भी आपने टू से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। जब ऑक्टल में करना है तो फिर यहाँ एट से, यहाँ भी एट से, जब हेक्साडेसिमल में यहाँ 16 से, यहाँ भी 16 से, समझ आए। बस ये या आपने याद रखना है कि ऑक्टल जब हमारे पास इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट में हो नंबर तो आपने उस पर ये भी अप्लाई करना और ये मेथड भी अप्लाई करना है, देन दोनों को कंबाइन करके उसका आंसर लिख देना। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कन्वर्जन पे, आप चेक कर सकते हैं, सिंपल कन्वर्जन है। देन ये देखें ये वाली कन्वर्जन जो हम लोगों ने यहाँ पर की हुई है कि दूसरे सिस्टम से बाइनरी से डेसिमल या ऑक्टल से डेसिमल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट हैं दोनों, तो उसको किस तरह करना है। तो जो भी चाहिए हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, बना दूँगी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।